हेलो गाइस, वेलकम अगेन. माय सेल्फ अनुराग सैनी, डूइंग MBBS फ्रॉम SP मेडिकल कॉलेज बीकानेर. तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ आज एंटामोबा हिस्टोलिटिका पे अपने व्यूज शेयर करना चाहता हूँ. ओके, तो हम यही इसकी बात करेंगे, एंटामोबा हिस्टोलिटिका की. तो सबसे पहले हम बात करें एंटामोबा हिस्टोलिटिका में कि एंटामोबा हिस्टोलिटिका को डिस्कवर किसने किया. फर्स्ट डिस्कवर बाय लॉस्ट. किसने डिस्कवर किया? LOSCH, लॉस्ट साइंटिस्ट है. उन्होंने डिस्कवर किया 1875 में डिस्कवर किया. ठीक है, इसका नाम एंटामोबा हिस्टोलिटिका किस हिसाब से पड़ा? इस हिसाब से पड़ा कि ये लाइज करता है, मतलब ये सब चीज़ को लाइसिस करता है, सब चीज़ का एवरी टिश्यू को लाइज करता है. तो इसका नाम क्या रख दिया? एंटामोबा हिस्टोलिटिका. इट लाइसिस एवरी टिश्यू. इसलिए इसका नाम एंटामोबा हिस्टोलिटिका इसकी वजह से रखा हुआ है. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन हम बात करें तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में. कहाँ होता है गाइस? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में. ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है. अब जो इन्फेक्शन होता है, एक इससे दो टाइप के इन्फेक्शन होते हैं. एक होता है नॉन इन्वेजिव इन्फेक्शन, एक होता है इन्वेजिव इन्फेक्शन. तो मेजर टाइप की जो इन्फेक्शन है वो होता है नॉन इन्वेजिव, तो वो एसिम्प्टोमेटिक होंगे, कोई सिम्टम्स ही नहीं आता. मोस्टली आर कैरियर, मोस्टली क्या होते हैं, कैरियर का काम करते हैं, मतलब इन्फेक्शन को फैलाएंगे. ठीक है, स्प्रेड करेंगे. ठीक है, रिस्क ग्रुप कौन कौन होते हैं? रिस्क ग्रुप कौन होते हैं इसको फैलाने वाले? एक तो मेल होमोलोगस होमोसेक्सुअल्स जो होते हैं वो स्प्रेड कर सकते. ट्रेवलर्स एंड रिसेंट इमिग्रेंट्स. ठीक है, ये हम बेसिक पढ़ रहे हैं, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी. ठीक है, फिर हम बात करते हैं हैबिटेट की. हैबिटेट कहाँ, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर कहाँ सर्वाइव करता है? तो म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन में ये म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में सर्वाइव करता है. अब लार्ज इंटेस्टाइन स्पेसिफिक बात करें तो सिकम एंड कोलोन में स्पेसिफाई करें तो सिकम एंड कोलोन में सर्वाइव करता है. ठीक है, होस्ट इसका ह्यूमन है, ओनली होस्ट इज ह्यूमन. इन्फेक्टिव स्टेज की हम बात करें इसकी तो क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट. मोड ऑफ इन्फेक्शन देखें, फीको ओरल रूट. तो ये बेसिक पॉइंट ही आप आते रहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी की बात करें इसकी तो तीन फॉर्म में पाया जाता है. कौन कौन से थ्री फॉर्म्स हैं? एक होता है ट्रोफोजोइट्स, एक होता है इसका प्री सिस्ट, एक होता है सिस्टिंग. डिटेल अभी करेंगे ना. एक होता है ट्रोफोजोइट, एक होता है प्रीसिस्ट, एक होता है सिस्ट. ओके, तीन फॉर्म पाई जाती है इसकी. अब हम बात करें पहले ट्रोफोजोइट्स की. ट्रोफोजोइट्स एक्चुअली में होता क्या है? ट्रोफोजोइट में देखो, ये बाहर स्यूडोपोडिया हो गए. स्यूडोपोडिया ये किस में मदद करते हैं? आपका मोटिलिटी में मदद करते हैं. ये एक्टोप्लाज्म हो गया बाहर. ठीक है, एक्टोप्लाज्म. ये हो गया अंदर एंडोप्लाज्म. तो एक्टोप्लाज्म किस में मदद करेगा? उसके अंदर स्यूडोपोडिया होते हैं तो ये मोटिलिटी में मदद करते हैं. ठीक है, एंडोप्लाज्म. अब क्या होता है, अब यहाँ से एक चीज़ यहाँ से पता लग रहा है ना, एसेंट्रिक न्यूक्लियस. मीन्स न्यूक्लियस साइड में एक सेंट्रल न्यूक्लियस नहीं है. ठीक है, एसेंट्रिक न्यूक्लियस के अंदर क्या होएगा? अंदर सेंट्रल कैरियोसोम. ठीक है, सेंट्रल न्यूक्लियोलस. ठीक है, सेंट्रल न्यूक्लियोलस हो गया. ठीक है गाइस, सेंट्रल न्यूक्लियोलस को हम क्या कहते हैं? कैरियोसोम भी सही. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेंट्रल कैरियोसोम. ठीक है, सेंट्रल कैरियोसोम. अब एक चीज़ यहाँ हम देखना है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, ये बहुत डेलिकेट होती है. ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है बहुत डेलिकेट होती है, और ये जो होती है ये कवर्ड होती है, लाइंड बाय सिंगल लेयर ऑफ फाइन क्रोमेटिन ग्रेन्यूल. ये फाइन क्रोमेटिन ग्रेन्यूल से लाइंड रहती है. कौन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेलिकेट होती है और सिंगल फाइन क्रोमेटिन ग्रेन्यूल से लाइंड रहती है. लाइंड बाय सिंगल फाइन क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स. ठीक है, फाइन क्रोमेटिन ग्रेन्यूल. और जो स्पेस होता है बिटवीन कैरियोसोम और न्यूक्लियर, ये कैरियोसोम हो गए, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गए, इनके बीच में जो स्पेस है गाइस, इनके बीच में जो स्पेस होता है ना, वो ट्रेवर्स करता है बाय द लाइन नेटवर्क ऑफ एक्रोमेटिन फाइब्रिल्स. ठीक है, यहाँ पर देखो, एक्रोमेटिन फाइब्रिल्स ऐसे ट्रेवर्स करेगा. ये जो स्पेस है बीच के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और कैरियोसोम के बीच में, इनके बीच में
नेटवर्क होता है एक्रोमेटिन फाइब्रिल का, नेटवर्क ऑफ एक्रोमेटिन फाइब्रिल्स, इनका नेटवर्क होता है जो इसको एक स्पोक लाइक अपीयरेंस देता है, स्पोक लाइक अरेंजमेंट, स्पोक लाइक अरेंजमेंट, ठीक, स्पोक लाइक अरेंजमेंट देगा, ठीक है। और इसके अंदर दो तीन चीजें आपको और ध्यान रखनी है, इनके अंदर वैक्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं वैक्यूल्स, दिस वन इज वैक्यूल्स, वैक्यूल्स एंड क्या होता है वैक्यूल, फूड वैक्यूल भी कह सकते हैं, इनके अंदर क्या होता है WBC होते हैं, RBC होती है, एंड टिश्यू डिब्रीज, क्या होता है टिश्यू डिब्रीज, टिश्यू डिब्रीज होता है, RBC जो होता है RBC, तो ये इरिथ्रोफेगोसाइटोसिस प्रॉपर्टी शो करेगा, RBC इसके अंदर इंजेस्टेड है, तो कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है इरिथ्रोफेगोसाइटोसिस, इरिथ्रोफेगोसाइटोसिस, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इरिथ्रोफेगोसाइटोसिस इज यूनिक यूनिक प्रॉपर्टी है, इट इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एंटामेबा हिस्टोलिटिका, वैक्यूल्स के अंदर WBC RBC इंजेस्ट कर रखा है तो इरिथ्रोफेगोसाइटोसिस करता है, तो इरिथ्रोफेगोसाइटोसिस द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द एंटामेबा हिस्टोलिटिका। ओके गाइस, तो ये बात होगी ट्रोफोजोइट की, अब हम दूसरे मॉर्फोलॉजी बात करेंगे प्रीसिस्ट, प्रीसिस्ट की हम बात करें, प्रीसिस्ट में क्या होता है ब्लंट स्यूडोपोडिया, एक ही स्यूडोपोडिया होता है, ब्लंट स्यूडोपोडिया, पोडिया हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है फूड वैक्यूल जो होती है ना वो डिसअपीयर कर जाती है, क्या कर जाती है डिसअपीयर, फूड वैक्यूल डिसअपीयर कर गई, ठीक है। ओवल होता है, ये क्या होता है ओवल होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं आता, तो न्यूक्लियस सेम टू सेम ऐसा, ब्लैक सेम दिखा रहे हैं यहाँ पर न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस सेम टू सेम ऐसा होता है, ओके सेम टू सेम न्यूक्लियस ट्रोफोजाइट की जैसा ही होएगा, ठीक है गाइस, ये हो गया अपना प्रीसिस्ट। अब हम बात करेंगे सिस्ट की, ठीक है, सिस्ट ये हो गया प्रीसिस्ट, प्रीसिस्ट हमने डिफाइन कर दिया पहले, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया प्रीसिस्ट। अब यहाँ पर सिस्ट की बात करें, सिस्ट जो होता है वो स्टार्ट होता है एक यूनिन्यूक्लियर से, सिस्ट से, ठीक है, ये एक न्यूक्लियस हो गया, एक न्यूक्लियस होगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी, यहाँ पर क्रोमेटिड बार्स होते हैं, क्या होते हैं क्रोमेटिड बार, और एक ग्लाइकोजन मास होता है, ग्लाइकोजन मास, ये येलो वाला ग्लाइकोजन मास हो गया, येलो वाला क्या है ग्लाइकोजन मास, और ऑरेंज वाला क्रोमेटिड बार्स हो गए, क्रोमेटिड बार्स हो गए, ठीक है। पहले ये यूनिन्यूक्लियेटेड होता है, पहले क्या होता है यूनिन्यूक्लियेटेड होता है, फिर क्या होता है बायन्यूक्लियेटेड हो जाता है, फिर क्या होता है बायन्यूक्लियेटेड हो जाते हैं, ग्रीन क्लो ग्रीन क्लो, फिर उसके बाद में बायन्यूक्लियेटेड हो गए, बायन्यूक्लियेटेड के बाद में क्या होता है क्वाड्रीन्यूक्लियेटेड हो जाते हैं, ये सॉरी इससे गलती होगी, फिर उसके बाद में क्या होता है क्वाड्रीन्यूक्लियेटेड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं क्वाड्रीन्यूक्लियेटेड, 3-4। ओके गाइस, ठीक है, पहले ये क्या होता है यूनिन्यूक्लियेटेड, ये बायन्यूक्लियेटेड स्टेज है इसकी, ये हो गया क्वाड्री न्यूक्लियेटेड, ये हम सिस्ट की बात करें क्वाड्रीन्यूक्लियेटेड सिस्ट हो गया, दिस वन इज क्रोमेटिड बार, क्रोमेटिड बार, दिस वन इज ग्लाइकोजन मास, ग्लाइकोजन मास में एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये जो होता है ना स्टेन ब्राउन विथ आयोडीन, ये क्या करता है स्टेन ब्राउन, स्टेनिन प्रॉपर्टी शो करता है आयोडीन के साथ, स्टेन ब्राउन विद आयोडीन, तो ये हमारा सिस्ट का होगा कि यूनिन्यूक्लियेटेड देने बायोन्यूक्लियेटेड देने क्वाड्रीन्यूक्लियेटेड, ये जो होता है ये इन्फेक्टिव स्टेज होती है क्वाड्रीन्यूक्लियेटेड सिस्ट, इन्फेक्टिव स्टेज होती है, आपको पता होना चाहिए। ओके गाइस, अब हम इसके लाइफ साइकिल देखेंगे, लाइफ साइकिल देखेंगे, देखिए इंजेशन, अब देखो हम पूरे डिफाइन करेंगे लाइफ साइकिल, तो ध्यान से देखिएगा, अब ये जो होता है ये सिस्ट मान लो यहाँ आके, ये सिस्ट क्वाड्रीन्यूक्लियेट सिस्ट है, ठीक है, क्या है क्वाड्रीन्यूक्लियेटेड सिस्ट, चार सिस्ट है, ये जूम स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं ये, ठीक है, क्वाड्रीन्यूक्लियेटेड सिस्ट जो होता है माउथ के अंदर एंट्री किया, जैसे ही माउथ के एंट्री किया ये जो है ये ओएसोफेगस के थ्रू स्टमक में आएगा, स्टमक में ये क्वाड्रीन्यूक्लियेटेड सिस्ट हो गया, क्वाड्रीन्यूक्लियेटेड सिस्ट हो गया, ठीक है। अब जो हम बात करें सिस्ट की, अब एक चीज़ हम बताना चाहते हैं कि सिस्ट क्यों आया, ट्रोफोजोइट भी आ सकता था, सिस्ट जो है वो रेजिस्टेंट होता है GIT SCL से, GIT में HCL होता है उससे रेजिस्टेंट होता है, GIT में HCL होता है उससे रेजिस्टेंट होता है, और जो है ये एनवायरमेंटल से डैमेज नहीं होता, एनवायरमेंटल से डैमेज नहीं होता सिस्ट, ह्यूमिड एनवायरमेंट में भी परजिस्ट कर सकता है, जबकि ट्रोफोजोइट जो होते हैं वो GIT HCL से डैमेज जाते हैं और एनवायरमेंट से भी डैमेज जाते हैं, तो हम ट्रोफोजोइट
जो ट्रोफोजेट है वो इन्फेक्टिव स्टेज नहीं होती, ठीक है, तो सिस्टी होती है, ठीक है, ये सारी ये इंपॉर्टेंट चीज़ें। फिर क्या होता है, जैसे स्टोमक में आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे यहाँ एंट्री किया, तो ई सिस्ट, सिस्ट जो है ये सिस्ट है, इसके अंदर चार क्या है, क्या है गाइस, चार न्यूक्लियेटेड, चार न्यूक्लियस हैं, दिख रहे हैं ना, ये सिस्ट जो है ये, ओके, सिस्ट जो है ये, तो मैंने बताया कि चार न्यूक्लियस यहाँ पर है, ठीक है, चार, तो चार न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4, तो एक न्यूक्लियस बाइनरी फ्यूजन से दो में डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर एट न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर बन जाएगी, एट न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर बन जाएगी, तो एक न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर बनेगी, फिर उसका साइटोप्लाज्म डिवीजन हो जाएगा, तो साइटोप्लाज्म डिवीजन होने के बाद में, तो साइटोप्लाज्म डिवीजन होने के बाद में प्रत्येक ये है, प्रत्येक मैच्योर सिस्ट जो है वो कितने मेटासाइक्लिक ट्रोफोजाइट बनाएगा, 8 बनाएगा, ठीक है, तो 8 ये मेटासाइक्लिक ट्रोफोजाइट हो गया, ठीक है, 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फिर जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन की हुआ, यहाँ पर क्या हो गया, सिस्ट डिवाइड हो गया, 8 मेटासाइक्लिक ट्रोफोजाइट्स बन गए, ठीक है, फिर ये ऐसे करके करके ये कोलोन में आ जाते हैं, कहाँ आ जाते हैं, कोलोन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर मल्टीप्लीकेशन होता है ट्रोफोजोइट्स का, मल्टीप्लीकेशन हो गया, ठीक है गाइस, मल्टीप्लीकेशन हो जाता है ट्रोफोजोइट्स का यहाँ पर, फिर ये क्या करता है, कॉलोनिक एपिथीलियम को इन्वेड करता है, कॉलोनी एपिथीलियम को ट्रोफोजोइट इन्वेड करता है, कॉलोनी एपिथीलियम को इन्वेड करके ये लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है ना उसके टिश्यूज के अंदर चला जाता है, टिश्यू के अंदर जाने के बाद में ये एक एंजाइम रिलीज करता है, लाइसिन, क्या एंजाइम रिलीज करेगा, हिस्टोलाइसिन एंजाइम रिलीज करेगा, उससे क्या होता है, अल्सर्स बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं गाइस, अल्सर्स, इधर अल्सर्स बन जाएंगे, ठीक है, अल्सर्स बन जाएंगे इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होता है, कॉलोनाइजेशन हो गया, म्यूकस लेयर एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सिस्ट, और न्यू सिस्ट बनने स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये हमारा ट्रोफोजोइट है, ट्रोफोजोइट यहाँ पे न्यू सिस्ट बनाना स्टार्ट कर देता है, न्यू सिस्ट बनाना स्टार्ट कर देता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनसिस्टेशन, कहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ओके गाइस, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ कि स्टमक के अंदर आया, स्टमक के फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आया, स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे एंटर करता है तो प्रत्येक सिस्ट जो है 8 न्यूक्लियेटेड 4 न्यूक्लियेटेड 8 न्यूक्लियेटेड है, तो वो प्रत्येक न्यूक्लियस डिवाइड करेगा दो के अंदर करेगा, तो 8 मेटाट्रोफोजोइट को, मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, एक प्रत्येक सिस्ट, ठीक है। फिर ये क्या करेंगे, जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके टिश्यूज के अंदर जाएंगे, वहाँ पर ये क्या करेंगे, इन्वेड कर देंगे और एक रिलीज करेंगे हिस्टोलाइसिन, वो क्या प्रोड्यूस कर देगा, अल्सर प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। और फिर जो ट्रोफोजोइट्स हैं ये फर्दर किसको प्रोड्यूस करेंगे, सिस्ट को, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनसिस्टेशन, क्या कहते हैं उसको, एनसिस्टेशन। वह एनसिस्टेशन आ गया, अब बोले सर एक्सिस्टेशन भी होना चाहिए, तो एक्सिस्टेशन किसे कहते हैं, जो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ई सिस्ट जो है वो 8 ट्रोफोजोइट्स को प्रोड्यूस किया था, उस स्टेज को हम बोलते हैं एक्सिस्टेशन, वे पहले हो गई, पहले एक्सिस्टेशन होता है, देन क्या होता है, इंसिस्टेशन होता है। एक्सिस्टेशन क्या होता है, ई सिस्ट प्रोड्यूस 8 ट्रोफोजोइट्स, that process is known as existation, and the trophozoite produce further, क्या produce करेगा, cyst, उसे हम बोलते हैं encystation बोलते हैं, ठीक। अब ये बहुत complicated है तो हम simple form में करते हैं, ठीक है। ये आपका ये हो गया आपका कर्डनेक्लेट सिस्ट, कर्डनेक्लेट से स्मॉल इंटेस्टाइन के एंटर किया, स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे एंटर किया तो ये 8 स्टेज प्रोड्यूस हो गई, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ, तो इसे बोलते हैं ट्रोफोजाइट, ये क्या हो गया, ट्रोफोजोइट्स। ये पूरी प्रोसेस क्या होगी, एनसिस्टेशन प्रोसेस क्या होती है, जब क्या होता है, मैच्योर सिस्ट जो होता है वो मल्टीप्लीकेशन करता है किस, और ट्रोफोजोइट में कन्वर्ट कर देता है, 8 ट्रोफोजोइट में, उस प्रोसेस को एनसिस्टेशन। फिर एनसिस्टेशन में क्या होता है, ट्रोफोजोइट से क्या बनता है, सिस्ट बनता है, उसे हम एनसिस्टेशन कहते हैं, ठीक है। ट्रोफोजोइट यहाँ पर एक एंजाइम रिलीज करेगा, प्रोटीएसेस, ठीक है, वो क्या करता है, फ्लास्क वाटर बॉटल अल्सर, मैंने बताया था अल्सर बनाता है, वो अल्सर की सेप कैसे होती है, फ्लास्क सेप अल्सर होता है। पर ये इनकी करेक्टरिस्टिक क्या है, इससे हम बोलते हैं अमीबिक डायसेंट्री करेक्टरिस्टिक क्या है, दो करेक्टरिस्टिक हैं, डायरिया होएगा और एब्डोमिनल क्रैम्प्स आपके हो जाएंगे, डायरिया हो जाएगा और एब्डोमिनल क्रैम्प हो जाएंगे, ब्लड और म्यूकस आने लग जाएगा, किसके अंदर, स्टूल के अंदर
ब्लड और म्यूकस आने लग जाएगा। तो ये दो करेक्टरिस्टिक्स हैं कि एक तो डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम, और ब्लड और म्यूकस स्टूल के अंदर आने लग जाएगा। एंसेस्टेशन एक्सेस्टेशन भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम, अब क्या होता है, अब जो ट्रोफोजोइट्स हैं वो स्टूल के अंदर रिलीज होंगे, स्टूल के अंदर रिलीज होंगे। तो भाई कभी कभी इतना एक्सेस वो होता है, एक्सेस इन्फेक्शन होता है कि कभी कभी ट्रोफोजोइट्स हैं वो कहाँ चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं गाइज, जो ट्रोफोजोइट्स हैं वो पोर्टल सर्कुलेशन में चल जाएंगे, पोर्टल सर्कुलेशन में चल जाएंगे। पोर्टल सर्कुलेशन के बाद में वो लीवर के अंदर भी एब्सिस क्लियर, एमेबिक लीवर एब्सिस भी कर देंगे, योर एब्सिस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू योर एब्सिस कर देंगे। तो ये एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल हो गया, वो इंटेस्टिनल था एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल, ये क्या होगा एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल। तो अब क्वेश्चन आता है एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल सिर्फ लीवर के अंदर ही होता है, नहीं, लीवर के अंदर भी होता है, आपका लंग एब्सिस भी होता है, आपका ब्रेन एब्सिस भी हो जाता है, जीआई ट्रैक्ट में भी हो जाता है, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट। अब एमेबिक लीवर एब्सिस की बात यहाँ आ गई, तो हम इसे कॉम्प्लिकेशन देखते हैं कि एमेबिक लीवर एब्सिस में क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। पहला कॉम्प्लिकेशन है सबफ्रेनिक एब्सिस हो जाएगा, सबफ्रेनिक एब्सिस मतलब फ्लूड भर जाता है, इन्फेक्टेड फ्लूड भर जाएगा डायफ्राम, लीवर और स्प्लीन के अंदर, ठीक है। लंग एब्सिस, एम्फाइसिमन, पेरिकार्डाइटिस, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। फिर हम बात करते हैं डायग्नोसिस, इंटेस्टिनल एमीबियोसिस का डायग्नोसिस क्या होता है। हम इंटेस्टिनल एमीबियोसिस का डायग्नोसिस कर रहे हैं ना कि इंटेस्टिनल का, ठीक है। तो पहला स्टूल हम देखेंगे, तो स्टूल में क्या होता है गाइस, स्टूल में क्या होएगा, सिस्ट दिखेगा हमें एंड ट्रोफोजोइट दिखेंगे, ट्रोफोजोइट, सेलाइन एंड आयोडीन माउंट्स बनाएंगे हम, आयोडीन माउंट्स बनाएंगे तो हमें दिखेंगे सिस्ट और ट्रोफोजोइट दिखने लग जाएंगे। आरबीसी हमें दिखेगी, आरबीसी एंड चारकोट लेडन क्रिस्टल, चारकोट लेडन क्रिस्टल हमें दिखने लग जाएंगे, ठीक है। क्रिस्टल क्रिस्टल है, ठीक है। क्या होता है कल्टीवेशन, सेकंड हम कल्टीवेशन करेंगे। एक दो मीडियम होता है कल्टीवेशन के, हम पॉलीजेनिक मीडियम, एक होता है एक्जेनिक मीडियम। पॉलीजेनिक मीडियम में हम बैक्टीरिया लेते हैं, बैक्टीरिया, अब क्वेश्चन आया बैक्टीरिया क्यों लेते हैं, फॉर न्यूट्रिशन, फॉर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन पर्पस के लिए हम ये लेते हैं। पॉलीजेनिक मीडियम में चार मीडियम्स आते हैं, बोइक्स एंड ड्रोब्लास मीडियम, क्रेज मीडियम, रोबिनशन मीडियम, बलमुथस मीडियम, आपको याद करना है। एक्जेनिक में क्या होता है, एक्जेनिक में नो बैक्टीरिया, यहाँ पर कोई भी बैक्टीरिया नहीं होएगा, तो डायमंड्स, डायमंड्स मीडियम इसे हम कहते हैं, कौन सा मीडियम कहते हैं, डायमंड्स मीडियम हम इसे कहते हैं, क्लियर। फिर तीसरा आता है एलिशा, एलिशा वर्गेल एंड गैनेक एड्रेंस लेक्टिन, ये जो होता है, ये जो दो होते हैं ये क्या करते हैं, हेल्प इन एड्रेंस, एड्रेंस में मदद करते हैं, एड्रेंस टू इंटेस्टिनल म्यूकोसा, एड्रेंस टू इंटेस्टिनल म्यूकोसा में मदद करेंगे। फोर्थ हम मान लेते हैं पीसीआर, फोर्थ हम किसका लेंगे, पीसीआर का ले लेंगे, ठीक है गाइस। अब हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल अमीबा, तो हम एक चीज़ भूल गए यहाँ पे, मोस्ट सेंसिटिव क्या होता है, पीसीआर, मोस्ट सेंसिटिव, ठीक है। फिर एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल की बात करें, सीरोलॉजी पहला आता है इसमें, सीरोलॉजी एंटीबॉडी डिफाइन करेंगे, एलिसा से कर सकते हैं, आईएचए से कर सकते हैं, आईएफ इट इज इनफ्लोरोसेंस से कर सकते हैं, ठीक है, तीन चीज़ें से कर सकते हैं। यहाँ क्या होता है, सिग्निफिकेंट राइज होता है, सिग्निफिकेंट राइज इन एंटीबॉडी टीटर, एंटीबॉडी टीटर सिग्निफिकेंट राइज होएगा एंटीबॉडी टीटर के अंदर। अल्ट्रास को भी कर सकते हैं हम, सीटी स्कैन एमआरआई से कर सकते हैं, हम कर सकते हैं स्टूल एग्जामिनेशन, स्टूल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल अमीबा में क्या होता है कि 50% जो होते हैं स्टूल वो सिस्ट रखेंगे, हैव सिस्ट, ओनली 15% हैव, स्टूल एग्जामिनेशन हो गया, 50% हैव सिस्ट रखते हैं। एलिसाइज कर सकते हैं, सीरोलॉजी में एलिसाइज कर सकते हैं, आईएचएस कर सकते हैं, इम्यूनोफ्लोरोसेंस एंटीबॉडी टेस्ट से हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट में क्या होता है, मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल लेते हैं 10 डेज के लिए, कितने डेज के लिए, 10 डेज के लिए लेते हैं, और टिनिडाजोल भी ले सकते हैं, टिनिडाजोल 5 डेज के लिए, 5 डेज के लिए ले सकते हैं। प्लस फिर हम ये भी ले सकते हैं पैरोमोमाइसिन और डीलोक्सेनाइड फ्यूरेट,
ये ड्रग्स आती हैं, ये किसके लिए होता है? ल्यूमिनल एमीबसाइड्स के लिए। तो आपको ये याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, ड्रग के नाम। तो मेट्रोनिडाजोल, टिनेडाजोल ले सकते हैं ये 5 डेज के लिए, वो मेट्रोनिडाजोल 10 डेज के लिए, पेरामायसिन और एलोक्सिनाइड फ्यूरेट ले सकते हैं ल्यूमिनल एमीबसाइड्स के लिए, ठीक है। गाइज ये पूरा क्लियर हो गया, थैंक यू गाइज फॉर योर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, और आगे और वीडियो चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। थैंक यू गाइज वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू अगेन।